ज्योतिष और साइंटिफिक सोच के अनुसार आपके यश एवं सफलता के लिए यह 9 आदतें आपके जीवन में अवश्य होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो यह निश्चित है कि यदि आपको यश सम्मान मुश्किल से मिल भी जाए तो कभी भी टिकेगा नहीं। जिन लोगों को अपनी झूठी थाली या बर्तन खाना खाने वाली जगह पर छोड़कर उठ जाने की आदत होती है उनको सफलता कभी भी स्थायी रूप से नहीं मिलती। ऐसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके घर पर जब भी कोई भी बाहर से आए, चाहे वो मेहमान हो या कोई काम करने वाला, उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाए। ऐसा करने से हम राहु का सम्मान करते हैं जो अचानक आ पड़ने वाले कष्ट संकट नहीं आने देते। घर के पौधे आपके अपने परिवार सदस्यों जैसे ही होते हैं, उन्हें भी प्यार और थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। जो लोग नियमित रूप से पौधों को पानी देते हैं उन लोगों को डिप्रेशन या एनेक्सिटी जैसी परेशानियां नहीं पकड़ पाती। जो लोग बाहर से आकर घर में अपने चप्पल जूते मोजे इधर उधर फेंक देते हैं उन्हें उनके शत्रु बड़ा परेशान करते हैं। इससे बचने के लिए अपने चप्पल जूते करीने से लगा कर रखें, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। उन लोगों का राहु और शनि खराब होगा जिनका अपना बिस्तर उनके उठकर जाने के बाद हमेशा फैला हुआ होगा। सिलवटें ज़्यादा होगी, चादर कहीं, तकिया कहीं, कंबल कहीं। ऐसे लोगों की पूरी दिनचर्या कभी भी व्यवस्थित नहीं रहती। पैरों की सफाई पर हम लोगों का हर वक्त खास ध्यान देना चाहिए, जबकि हम में से बहुत सारे लोग पैरों को धोना या साफ करना भूल जाते हैं। नहाते समय अपने पैरों को अच्छी तरह से धोए। जब कभी भी बाहर से घर आए तो 5 मिनट रुककर मुंह और पैर अवश्य धोए। आप खुद यह पाएंगे कि आपका चिड़चिड़ापन कम होगा, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपका आनंद और शांति बढ़ेगी। घर लौटते समय कुछ ना कुछ वस्तु लेकर आए तो इस आदत से उस घर में बरकत बनी रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता जाता है। हर रोज घर में कुछ ना कुछ लेकर आना वृद्धि का सूचक माना गया है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और धन हमेशा बढ़ता जाता है और घर में रहने वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। खाने की थाली में जूठन बिल्कुल न छोड़े और ऐसी आदत अपनाने के लिए आज ही ठान ले और एकदम पक्का तय कर ले। इस आदत से आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी, अन्यथा सभी 9 के 9 ग्रहों के खराब होने का खतरा सदैव मंडराता रहेगा। मेरा मानना है कि अच्छी बातें बांटने से किसी न किसी का फायदा जरूर होता है। मैंने आपसे शेयर किया, आप भी अपने मित्र परिवार में ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।